मर गए क्या? मरते ही होंगे, कोई मरा जो क्या था, थोड़ी आज मर गया वो तो बाप रात के घर होगा। अरे आप बीच में मत करो यार, ये रिपोर्ट चाहिए थी कि यार दो तीन साल बता दो कि कितनी डिलीवरी हुई और कितनी यहाँ से रेफर की गई, ठीक है ना, और एक्सीडेंटल केसेस कितने आए यहाँ से और कितने हो रहे, आप खुद बता दो सब। आज चिकित्सालय में लगभग 10:30 बजे के करीब एमएलए साहब वे उनके 4-5 लोग चिकित्सालय में आए थे। एमएलए साहब के आने पे हमने उनको चैम्बर के अंदर बैठाया। एमएलए साहब से बात करना चाहिए तो उनके साथी लोगों ने कहा कि एमएलए साहब तो अनपढ़ हैं, इन्हें कुछ नहीं मालूम, आप हमसे बात कीजिए। और उनकी बोली और बात करने का तरीका बड़ा ही गबन था। हाजिर रजिस्टर भी एमएलए साहब ने मांगा तो हम लोग एमएलए साहब को रजिस्टर या डॉक्टर की स्थिति बताना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा, बार बार यही कहते रहे कि एमएलए साहब तो अनपढ़ हैं, आप हमसे बात कीजिए। वह मेरे हाथ से रजिस्टर छीन करके भागने लगे। हमारे आज रिया कैंप है जिसमें 3 डॉक्टर रिया गए हैं। लगभग 500 का आउटडोर रहता है डेली और लगभग 20-25 पेशेंट भर्ती रहते हैं। सारी दवाएं उपलब्ध है, जांचें सारी हो रही हैं, चिकित्सालय की व्यवस्था बड़ी बढ़िया चल रही है, सभी डॉक्टर जो ड्यूटी पे हैं पूरा समय पूरा काम कर रहे हैं अपना। ऐसे साहब ने मुझे कहा था कि एमएलए साहब मैडम आई है हॉस्पिटल में निरीक्षण करने के लिए, तो मैं यहाँ हॉस्पिटल आया, एमएलए साहब ने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, जो भी समस्या थी उसके बारे में डॉक्टर ने बता दिया है और चेक करके लेके गए हैं और जो भी समस्या है उसका समाधान के लिए आपने यस आज मेयर था सिटी हॉस्पिटल के सरकारी हॉस्पिटल है तो मैं आज सुबह गई, मैं क्यों जांच करवाना ही कि भाई हॉस्पिटल में कितना डॉक्टर है और कितना नहीं है और कितना मरीज है। तो हॉस्पिटल में आई, कोई जांच मांगी और रजिस्टर मांगा तो डॉक्टर ऐसे बदतमीज से बात कर रहे हैं, उनको तमीज ही नहीं है कि एमएलए है कि नहीं है, और रजिस्टर लेके भागने लग गया। तो वो बोले रजिस्टर लेके भागे, मैं रजिस्टर लेके क्या करना, मेरे रजिस्टर है कुछ नहीं करना है। तो ये ऐसे जनता से मेरे से ऐसे बात कर रहे हैं तो जनता से कैसे बात करता है, इनको तमीज ही नहीं है बात करने का। और पुलिस कर्मचारी है, सीआई साहब है, ऐसे बात कर रहे हैं कि आपको गिरफ्तार कर लेंगे। क्या गिरफ्तार करोगे मेरे को, क्या खोटा काम नहीं करती हूँ मैं, अच्छा काम के लिए आई, पब्लिक के वास्ते दौड़ते, पब्लिक किस लिए चुनते हैं अपने को, कि भला करो पब्लिक का, कुछ भला हो जाए और जनता की सेवा हो जाए। जे आज हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, कोई सुविधा नहीं है। आज 10 तारीख को अपनी विधानसभा चलेगी तो मैं इसलिए आई कि विधानसभा में आप कुछ मुद्दा उठा सका कि विधानसभा में अपने सरकारी हॉस्पिटल में ये सुविधा नहीं है तो आप सुविधा दिला सकूं। कि आज आप जनता चुन लिया तो मैं जनता के बीच में रह पाई हूँ, आप ऐसे डराते हो, धमकाते हो, डराने से काम नहीं चलता है। आप कर्मचारी हो तो कर्मचारी से मिलके काम करो, और काम करना पड़ेगा जनता का, और काम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। आप जनता सारे वाइट ले सकते हो, 2-3 लेडीज आई थी, बोले मैं 3 दिन से घूम रही हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बोले मेरे घर पे आ जाना, डॉक्टर बोलता है घर पे आ जाना, क्यों घर पे क्यों, ये हॉस्पिटल नहीं है क्या, हॉस्पिटल देखो आप आराम से देख सकते हो, गरीब आदमी का हॉस्पिटल है और गरीब आदमी की सेवा नहीं कर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो बताओ। आप